हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन और आभार है जुड़े विद्यार्थियों में शिवांगी जी सोनू हरिओम जी राहुल कोमल ऑफिसर पंडित जी प्रशांत जी खुशी विकास कराड़िया सोनू सीता सीताखंडेलवाल डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी मारवाड़ी जी विकास कराड़िया सीलू जी बाला गुड इवनिंग बेटा विकास जी निशु अवनी चौधरी रविंद्र जी गजेंद्र चौधरी सुमन शोरान जी कोमल जी संगीता राहुल विकास सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन और आभार है आज के इस सेशन में हम यहाँ चर्चा करेंगे आपके जिसको कहा जाए तो ग्रेन्स के बाद में पल्सेज को लेकर के यानी कि सीरियल क्रॉप्स के बाद में आज हम चर्चा करेंगे पलसेज क्रॉप्स को लेकर के तो सभी का स्वागत है एक बार जल्दी से एक जड़ जाइएगा क्लास को क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है जिन्होंने शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा फिर आज के इस से सेशन को कंटिन्यू करते हैं सभी को नमस्ते दिव्या जी मोनू सिंह जी किंग यूट्यूब जी अरुण सरिता चौधरी जी अनिल राहुल अरुणा मोनू जी राकेश इरफान एकता जी सभी को नमस्ते बेटा सभी का स्वागत है संगीता जी गुड इवनिंग वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे लेकिन याद रखना किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे तो वक्त वक्त की बात होती है कभी वक्त आप पर हावी और कभी आप वक्त पर हावी तो वक्त को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना हम वक्त पर हावी हो और ये कब संभव है जब हम पूरी सिद्धत से वक्त का इस्तेमाल करें नमस्ते एपी जी गुड इवनिंग चीकू जी नमस्ते बेटा आपके डॉक्टर लोक आनंद जी नमस्ते जी नमस्ते बेटा बबले जी तो शुरू करें बेटा आज के सेशन को हम यहां पर चने को लेकर के चर्चा करेंगे चने से पहले देखेगा हम पल्सेज क्रॉप्स को लेकर के बात करते थोड़ी सी चर्चा जान लेते हैं देखिएगा अगर हम पलसेज क्रॉप्स की बात करें तो याद रखिएगा जो पलसेज वर्ड जो होता है आपका ठीक है जो पल्सेज वर्ड है ये आपको ध्यान रखना फ्रेंच लैंग्वेज का किस लैंग्वेज का फ्रेंच वर्ड है यह ध्यान रखना इसका अर्थ होता है पेटोज और पेटोज का मतलब होता है आपके सूप या इसे कहते हैं दाल यह ध्यान रखना है आपको तो पल्सेज फ्रेंच लैंग्वेज का है तो यह तो भाषा हो गई आपसे पूछा जाए इसका मीन क्या है तो मीन इसका पोटेज और इसका अर्थ होता है सूप या दाल ये ध्यान रखना है अगर आपसे पूछ लिया जाए लेग्यूम क्योंकि हम इसे लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं तो लेग्यूम लेग्यूम किसका है लेटिन भाषा का वर्ड है और इसका अर्थ सीधा सा होता है पोड ये ध्यान रखना है क्या होता है इसका सीधा सा अर्थ पोड ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो सीधा सा होता है पोड इसका होता है ये ध्यान रखना आपको देखिएगा विश्व में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन और सर्वाधिक दलहन में क्षेत्रफल किसका है तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए दलहन उत्पादन तो देखिएगा दलहन उत्पादन की अगर आप बात करोगे तो दलहन उत्पादन में विश्व का लगभग पैंसठ प्रतिशत उत्पादन अकेला भारत करता है तो उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और अगर हम यहां पर बात करें क्षेत्रफल की तो देखिएगा क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में कितना है क्षेत्रफल में सेवेंटी परसेंट है यह ध्यान रखना आपको और अगर हम एरिड कंडीशन में देखें टोटल पल्सेज का अगर हम बात करें तो ध्यान रखना शुष्क कृषि में आपके ड्राई एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है ड्राई एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना जितनी हमारी ड्राई एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत आपके 80 प्रतिशत प्रोडक्शन जितना दालों का होता है ओवरऑल 100 में से ध्यान रखना लगभग 80 प्रतिशत के आसपास उत्पादन एरिड एग्रीकल्चर में होता है ड्राई फार्मिंग में होता है यह ध्यान रखना आपको ठीक है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो ड्राई एग्रीकल्चर में आपके क्या है 80 परसेंट के आसपास हमारा सिर्फ पल्सेज का प्रोडक्शन है यह ध्यान रखना है आपको ठीक है अब हम आगे की ओर चलते हैं आज के इस सेशन में हम चने वाले क्रॉप्स की बात करें तो देखिएगा पल्सेज जो होती है दलहन जो फसल है इस दलहन को हम दो भागों में बांट देते हैं यह ध्यान रखना है आपको ठीक है दलहन को दो भागों में बांट देते हैं एक होती है आपके खरीफ दलहन ठीक है एक होती है हमारी खरीफ दलहन और दूसरी होती है रबी दलहन ये ध्यान रखना ठीक है एक खरीफ दलहन और दूसरी रबी दलहन रबी दलहन में अगर आप बात करो तो देखिएगा रबी दलहन में प्रमुख रूप से जैसे चना मसूर मसूर मटर और लेथायरस ठीक है थाइनस ये प्रमुख पल्सेज क्रॉप आपको दिखाई देती है खरीफ में अगर आप बात करें तो खरीफ में जैसे मूंग मोट अरहर अरहर उड़द ठीक है यह आपको दिखाई देगी यहां पर एक आपके राजमा भी होगा यह ध्यान रखना ठीक है राजमा भी आपके यहीं पर होगा इसका ध्यान रखना आपको ठीक है यहां देखेगा खरीफ दलहन में क्रोमोसोम 2n बराबर बाईस होंगे या 2n बराबर 24 होंगे रबी दलहन में 2n बराबर चौदह होंगे या 2n बराबर सोलह होंगे और ये सोलह किसके हैं ये है काबुली चने के और ये 24 जो आपको यहां पर अगर देखें तो आपको ये पता है कि हॉर्स ग्राम कुलथी ध्यान है कुलथी हॉर्स ग्राम ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो हॉर्स ग्राम में अमूमन आपको कितना ट्वेंटी फोर क्रोमोसोम आपको दिखाई देता है यह ध्यान रखना कुल थी ठीक है अब यहां पर देखिएगा दो चीजें और आती है खरीफ दलहन जो होती है उनका अंकुरण कौन सा होता है एपीजीएल होता है यह ध्यान रखना और इनका अंकुरण कौन सा होता है इनका होता है बेटा हाइपोजियल ठीक है इनका होता है हाइपोजियल देखेगा अपवाद जिंदगी में हर जगह होते हैं और अपवाद ना हो तो जिंदगी जिंदगी सी नहीं लगती है तो यहाँ पर अपवाद है ध्यान रखना अरहर ठीक है तो अरहर का अंकुरण होता है हाइपोजियल और यहां पर बेटा देखो अपवाद यहाँ पर अपवाद होता है कौन राजमा और यहाँ राजमा में अंकुरण होता है कौन सा एपीजियल टाइप का ये हमें ध्यान रखना है एक्सीलेंस सेंटर जैतून का आपके जयपुर में ठीक है तो ये ध्यान रखना तो 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 का इधर है, राजमे का, है ये ध्यान आपको ठीक है विघ्न मूंगो चने का वैज्ञानिक नाम क्या बात है राहुल कुमार जी बिल्कुल शिवांगी जी एक्सेप्शन है बिल्कुल है प्रशांत जी बिल्कुल सही है मोनू सिंह जी क्या करें एक बार मोनू सिंह जी का कमेंट दिखाओ सर मैं एग्रीकल्चर से अब आर्ट्स ले रहा हूं तो अब किसकी जॉब की, की तैयारी करूं सर प्लीज बताओ तो पहले चीज तो आपने एग्रीकल्चर से आर्ट्स अगर चूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आर्ट्स सेक्टर में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि किसकी तैयारी करनी चाहिए बाकी फिर भी कुछ बेसिक जो आपके है फोर्स में जैसे फौज है पुलिस है तो आप तैयारी कर सकते हैं या आप सिविल सर्विस आर वगैरह की आई वगैरह की तैयारी कर सकते हैं ठीक है मोनू सिंह जी तो हम एक बार पुनः आपके अग्रिम भविष्य की आपको जो है उज्जवल शुभकामनाएं देते हैं कि आप आर्ट्स सेक्टर में जा रहे हैं तो कुछ अच्छा करें और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे ठीक है चलिएगा आगे तो यहाँ पर ये दलहन की हमने बात कर ली है ये ध्यान रखना अब यहाँ पर देखिएगा रबी दलहन अगर आपसे पूछ ले ठीक है अगर हम यहां पर बात करें तो यहां ध्यान रखना है एक चीज की यहां देखिएगा रबी दलहन रबी दलन में प्रमुख जो क्रॉप है वो चना है इसका ध्यान रखना लेथायरस क्या होता है लेथायरस एक दाल होती है इसका न्यूरोटॉक्सिन इंपैक्ट होता है अगर ज्यादा खा लिया जाए तो इसमें एक ओडीपी जिसको कह सकते एक केमिकल होता है जो न्यूरोटॉक्सिन लकवे के लिए जिम्मेदार होता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है यहां अगर इस बात करें हम यहां तो ध्यान रखना है यहां पर प्रमुख आपके खरीफ में कौन सी क्रॉप है खरीफ में अरहर है और रबी में प्रमुख क्रॉप कौन सी है बेटा चना है ये ध्यान रखना है आपको लेथायरस क्या होती है तो लेथायरस रबी दलहन क्रॉप है जो कि आपके दाल वाली फसलों में आती है इसका ज्यादा सेवन करने से आपके क्या हो जाता है नमस्ते गोविंद जी ज्यादा सेवन करने से न्यूरोटॉक्सिन लकवे की समस्या हो जाती है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है बिल्कुल बी ओ ए ए बिल्कुल आपका सही है ठीक है वैसे ओडीपीए भी बोल देते हैं आपके ओडीपीए इसमें में ओडीपीए ठीक है -A. डाई एस्टेट प्रोपियोनिक एसिड होता है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है या फिर बी ओ ए ये इसमें केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह न्यूरोटॉक्सिन होता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है चले आगे हाँ देखिएगा बुक हॉर्टिकल्चर की ऑफलाइन जिसको तो कह सकते कई विद्यार्थी कह सकते ऑफलाइन बुक तो ऑफलाइन बुक अवेलेबल हो गई है जोधपुर में पर्टिकुलर जालोरी गेट पर जैसे आपके जो बुक्स है जैसे आपके जालोरी गेट के उत्कर्ष के नीचे की तरफ जो है बुक डिपो वहां भी आपके क्या है बुक्स वगैरह अवेलेबल है तो आप जो ऑफलाइन खरीदना चाह रहे थे वो ऑफलाइन खरीद सकते हैं अब आपके चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम यहां पर बात करते थोड़ी सी चने को लेकर के ठीक है चना तो पहली चीज ध्यान रखना इसे चिकपी के नाम से जानते क्या कह देते इसे चिक पी कहते इसे हम बंगाल ग्राम के नाम से जानते बेटा क्या कहते हैं बंगाल ग्राम कहते हैं इसे क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है दलहन पसलो का राजा ठीक है इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है दलहन फसलों का राजा ये ध्यान रखना ठीक है दलहन फसलों का इसे राजा कहा जाता है इसका ध्यान रखना है आपको ठीक है अगर उत्पादन की बात करें तो करंट उत्पादन में आपके महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद एमपी और एमपी के बाद में राजस्थान का आपके स्थान आता है ये ध्यान रखना चने में ध्यान रखना दो प्रकार के चने आपको दिखाई देते हैं नंबर एक एक होता है बेटा देसी चना इसी को हम कहते हैं भूरा चना ब्राउन ग्राम ये ध्यान रखना भूरा चना ठीक है इसका जो नाम होता है वो होता है साइसर ए आपके एराइटिनम साइसर एराइटिनम ठीक है दूसरा जो होता है हमारे वो होता है आपके दे सकते हैं काबुली चना ठीक है काबुली चना और इसको कहते बेटा सफेद चना ये ध्यान रखना क्या होता है सफेद चना इसका ध्यान रखना आपको ठीक है इसे कहते साइसर काबुलिनम क्या कहते बेटा इसे कहते साइसर काबुलिनम काबुली नम देखियेगा का क्रोमोसोम की कहानी यहीं पर आती है इसके क्रोमोसोम चौदह होते हैं और इसके क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा सोलह होते हैं ये ध्यान रखना आपको ठीक है इसके दाने इसके दाने दाने छोटे होते हैं बड़े इसका उत्पादन ज्यादा होता है ध्यान रखना क्या होता है इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और इसकी ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ भी क्या होती है ग्रोथ भी बेटा हाई होती है ठीक है ग्रोथ भी हाई होती है यहां पर क्या होता है इसका उत्पादन भी कम होता है उत्पादन कम होता है और ग्रोथ भी क्या होती है इसकी कम होती है ये ध्यान रखना राजस्थान में देखो इसका उत्पादन है, ठीक है तो राजस्थान में अगर उत्पादन देखोगे तो राजस्थान में उत्पादन चूरू में आपको दिखाई देता है ये ध्यान रखना ठीक है पलसेज क्रॉप्स की बात हो रही तो, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहा है बेटा ये कानपुर है और कानपुर कहां है बाबा जी के यहां पर है यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो इसका हमें ध्यान रखना है आपको तो आपको यह ध्यान रखना है काबुली चना जो इसको अपन आप नॉर्मली भाषा में देते छोले तो वो छोले क्या है यही काबुली चना है यह ध्यान रखना है आपको ठीक है ये ध्यान रखना देसी चना होता है बेटा वो आपके ठीक है जयपुर में जो आपके अजमेर और जयपुर हाईवे पर जो आपके बस्सी के आसपास ये बस्सी का इसके आसपास ही ध्यान रखना आपको ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना बिल्कुल देखिएगा टेस्ट वेट टेस्ट वेट के लिए किसी ने लिखा है आपके डॉक्टर राजेंद्र जी ने टेस्ट वेट ठीक है तो देखो बेटा टेस्ट वेट की अगर बात करें तो टेस्ट वेट बिल्कुल आपने सही कहा कि देसी जो चना है उसमें लगभग दो सौ ग्राम से लेकर के ढाई सौ ग्राम के आसपास तक और काबुली जो होता है काबुली में क्या होगा ग्रेटर देन ठीक है ग्रेटर देन टू ध्यान रखना आपको लगभग इक्कीस पॉइंट एक प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है ठीक है प्रोटीन इक्कीस पॉइंट एक प्रतिशत पाई जाती है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है हाँ बिल्कुल वही समोसे वाले छोले विजय जी समोसे पर कम ध्यान दे विजय पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा ठीक है अगर पढ़ाई पर ध्यान देगा तो समोसे बिल्कुल अपने आप चल करके आएंगे हाँ पलसेज में मीथियोन एसिड की आपके कम ये एम्यूनो एसिड्स की कमी पाई जाती है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो इसका हमें ध्यान रखना है आपको ठीक है चले आगे देखिएगा चावल की पत्तियों में खटास पाया आपके इसकी चने की पत्तियों में खटास पाया जाता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है चने की जो पत्तियां होती है जो लीफ होती है इन पत्तियों में क्या होता है खटास होता है ठीक है खटास और ये खटास 92 टू 96 परसेंट तो होता है किसकी वजह से मेलिक एसिड की वजह से ठीक है बेटा? और लगभग चार से लेकर के दस परसेंट होता है किसमें आपके ऑग्जेलिक एसिड की वजह से ठीक है तो नब्बे और दस सो छियानवे और चार सो हो गया ये ध्यान रखना मेलिक और ऑग्जेलिक एसिड ये ध्यान रखना है बेटा आपको मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड इसमें जिम्मेदार होता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है चने में आपके क्या होते हैं नीपिंग ठीक है बेटा चने में क्या होते हैं नीपिंग नीपिंग का मतलब होता है उसकी एपिकल बड को रिमूव करना ठीक है रिमूव ऑफ एपिकल बड तो नीपिंग में क्या होता है तो नीपिंग में सिर्स को हटाना ठीक है सिर्स को हटाना और ये प्रक्रिया वैसे तो 30 से 40 दिन पर आपके क्या करते हैं डे आफ्टर शोइंग वैसे आप थर्टी फाइव डेज कह सकते हो ठीक है और ध्यान रखना निपिंग की पहली प्रोसेस आपके क्या होती है जिसको हम कहें तो निपिंग को तोड़ना इसके अलावा भेड़ के द्वारा भेड़ के द्वारा चराया जाता है केमिकल की बात करें तो ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड टिब्बा इसकी पिचोत्तर पीपीएम मात्रा आपके प्रयोग की जाती है ये ध्यान रखना आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका अगर ऑब्जेक्ट देखेंगे बेटा तो ऑब्जेक्ट क्या होता है शाखाओं शाखाओं में में वर्दी में वर्दी ठीक है है देखिएगा मेरी कोशिश होती कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना वहां तक पहुंचे उससे पहले हम काफी कुछ चीजें एक बार थोड़ा सा झलक देख लें यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो यह ध्यान रखना थोड़ी बहुत चीजें हम इसके बारे में जान ले फिर हम ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे तो काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी सीधा ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे तो आपके कई बार कुछ चीजें छूट भी जाती है ये ध्यान रखना आपको ठीक है एक सवाल मेरा आपसे है तो ध्यान रखना जैसे इसकी बीज की गहराई ठीक है किसी विद्यार्थी ने लिखा बीज की गहराई बिल्कुल आपने बेटा सही लिखा है कि बीज की गहराई आठ से दस सेंटीमीटर होता है आपको नहीं लगता कि आठ से दस सेंटीमीटर बीज की गहराई ज्यादा है चने के बीज की गहराई आठ से दस सेंटीमीटर बिल्कुल सही लिखा आपके रामचंद्र राठौर तो जी का सर मैंने ट्वेल्थ एग्रीकल्चर से पास कर ली बट मैं अब कौन सी तैयारी करूं तो भाई सुपरवाइजर का फॉर्म भरा तो सुपरवाइजर की तैयारी करो या फिर एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हो तो जेट की तैयारी करो या सीयूटी की तैयारी करो यह ध्यान रखना आपको एक चीज बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा आठ से दस सेंटीमीटर लेकिन आठ से दस सेंटीमीटर रखें क्यों क्या इसका जर्मिनेशन चार से पांच सेंटीमीटर पर नहीं हो सकता जी बिल्कुल एम जी बिल्कुल चार से पांच सेंटीमीटर इस पर इसका जर्मिनेशन होता है और हो सकता है लेकिन ध्यान रखना है आपके आठ से दस सेंटीमीटर क्यों रखी जाती है इसके पीछे कारण है ध्यान रखना देखिएगा चने का एक रोग है ठीक है अगर चने का अगर आपसे रोग पूछे ना तो चने का प्रमुख रोग होता है आपके क्या विल्ट ठीक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ठीक है ये क्या होता है तो ये ध्यान रखना है आपको इसको क्या कहते हैं आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ठीक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से बचाव के लिए इस रोग से बचाव के लिए क्या करते हैं इसकी बीज को गहराई में बीजा जाता है क्या होता है बीज को थोड़ी डेप्थ में रखा जाता है तो क्वेश्चन कभी भी आपके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ध्यान रखना तो चने की फसल को विल्ट के रोग से बचाने के लिए इसके बीज की गहराई आठ से दस सेंटीमीटर रखी जाती है जिन क्षेत्रों में चने की बुआई हल्की की जाती है यानी कि चार से पांच सेंटीमीटर पर उन क्षेत्रों में प्राय विल्ट का प्रकोप ज्यादा होता है यह ध्यान रखना फिर भी अगर हम विल्ट से बचाव की बात करें तो ध्यान रखना इसके बचाव का एक रामबाण इलाज है और रामबाण इलाज क्या है ट्राइकोडर्मा ध्यान रखना ट्राइकोडर्मा से क्या करना चाहिए ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए यह ध्यान रखना ठीक है लगभग छह से आठ ग्राम बीज हम आपके छ से आठ ग्राम ट्राइकोड्रमा प्रति के जी के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये ध्यान रखना नमस्ते बेटा निकेता जी नमस्ते ठीक है तो ये ध्यान रखना ट्राइकोड्रमा से हम उपचारित कर सकते हैं देखिएगा बीज की गहराई आ गई तो हम बीज दर की भी बात कर ले ध्यान रखना बीज दर को पता करने का एक तरीका होता है बीज जितना छोटा होगा सीड रेट आपके क्या होगी तो ये ध्यान रखना सीड रेट उतनी ही बढ़ती आपके कम होगी ध्यान सीड छोटा सीड रेट कम बीज बड़ा सीड रेट बड़ी ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां पर अगर बीज दर की बात करें देसी चना तो देखिएगा देसी चने का सीड का आकार कम होता है इसलिए सीड रेट कम होती है 60 से अस्सी के आप रख सकते हो देखेगा काबुली चना आकार में बड़ा होता है इसलिए इसकी सीड रेट भी बढ़ जाएगी बेटा 80 से लेकर के 100 के ध्यान रखना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में आर इंटू पी क्या होती है दलहनी फसलों की आर इंटू पी क्या होती है तो ध्यान रखना बेटा दलहन जो होती है उनकी आर इंटू पी कितनी होती है तीस इंटू दस सेंटीमीटर मोटे मोटे तीन लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस प्लांट के आसपास होता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तीन लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस के आसपास ये ध्यान रखना गहराई भी बीज के आकार पर निर्भर करती है बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र जी बिल्कुल डिपेंड करती है गहराई पर यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो आई थिंक कुछ कुछ चीजें हमने बात कर ली है ध्यान रखना आज ठीक है और चने की अच्छा बुआई का रह गया तो ध्यान रखना चने की अगर बुआई पूछ ले तो बुआई ध्यान रखना बेटा मिड अक्टूबर ठीक है मिड अक्टूबर यानी कि चने की बुआई मिड अक्टूबर में इस समय आपके कर रहे हैं ये ध्यान रखना आपके कमेंट्स था क्या है मेरा कमेंट्स क्या है बेटा देखो कमेंट्स कोशिश करते हैं काम के कमेंट्स सबके देखे जाए लेकिन फिर भी अगर किसी का रह जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं टारगेट सर जी यू आर कमेंट डू इग्नोर गिव मी द कोटेशन ऑफ आंसर ठीक है तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है ठीक है एक बार नीचे और करना कमेंट्स पुष्पेंद्र जी का क्या है कमेंट थोड़ा सा और हाँ पुष्पेंद्र जी सर जी चने का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा है ना बताओ अरे बेटा विग्ना रेडिएटा नहीं है साइसर एराइटिनम बताया और साइसर काबुलिनम बताया विग्ना रेडिएटा और विग्ना मूंगो विग्ना रेडिएटा मूंग का है और विग्ना मूंगो उड़द का है ये ध्यान रखना आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती एग्जाम होगा सर जी देखिएगा पुष्पेंद्र जी हम उम्मीद यही करते हैं कि एग्जाम होना चाहिए और आपके 4 फरवरी एग्जाम ही है बाकी देखो क्या होता है चलें आगे आइएगा बेटा आज के इस से सेशन को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने पर पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये दहा आपके ढेलेदार मर्दा बिल्कुल आपका सरदार साहब अगर आप में से कोई विद्यार्थी अगर खंडेला साइड का हो ठीक है अगर आप में से कोई विद्यार्थी राजस्थान के सिक्कर जिले में खंडेला क्षेत्र से हो तो यहां पर आपके क्या है खेत में ढेले दिखाई देते हैं और वो क्षेत्र में वहां पर क्या है खेत में बुआई कर देते हैं क्योंकि इनमें मोस्चर कंटेंट ज्यादा होता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है आइएगा चने की फसल में प्रथम सिंचाई कब की जाती है वेन इज द फेस्ट इरीगेशन डन इन ग्राम क्रॉप फूल आने से पूर्व बिफोर फ्लोवरिंग फूल आने के बाद आफ्टर फ्लोवरिंग फूल आने पर या फलिया बनने पर या फलिया आने पर तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लुक लाइक यह इरीगेशन की क्रिटिकल स्टेज है तो ध्यान रखना है यहाँ पर चना है आपको मैं बता दूं कि दलहन फसलों में जो आपके क्रिटिकल इरिगेशन होती है वो बी फोर और पॉड फॉर्मेशन पर होती है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है पहली चीज तो ध्यान रखना फूल आने से पूर्व ध्यान रखना फूल आने से पूर्व एक तो सिंचाई फूल आने से पूर्व और दूसरी क्या करते हैं पॉड फॉर्मेशन ये ध्यान रखना आपको ठीक है बेटा पॉड फॉर्मेशन इसका मतलब होता है फली बनते समय दाणे बनते समय ये दो आपको ध्यान रखना है क्यों दलनी फसलों के कन कम कर उत्पादन का एक कारण है आपको सब पता है कि दलन फसलों में आपके उत्पादन कम होता है उसका कारण क्या है दलहनी फसलों में कम उत्पादन का कारण है फ्लोवर के ड्रॉप होने की प्रमुख समस्या फूलों के झड़ने की समस्या पाई जाती है ध्यान रखना आपके ठीक है फूलों के झड़ने की समस्या पाई जाती है और अगर फ्लोवरिंग के समय अगर इसमें सिंचाई कर दी जाए तो फ्लोवरिंग काफी ज्यादा मात्रा आपके में जुड़ सकते हैं ध्यान वी हाँ। है। बोला आपका पेपर चार फरवरी को होगा ठीक है भाई विजय जी देखो विजय जी ने बता दिया ये ध्यान रखना ठीक है तो फिर आप तैयारी करो सारे दबा करके ठीक है तो फूल आने से पूर्व यह ध्यान रखना तो इसका राइट आंसर आपका ए है ये ध्यान रखना आपको ठीक है भाई हाँ बिल्कुल सही है आपका नहीं भाई सुपरवाइजर के फॉर्म वापस थोड़ी जाएंगे ऐसा थोड़ी होता है आओ यहाँ पर चने के फसल की बुआई से कितने दिनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं यानी कि बुआई के बाद में कितने दिन बाद आपकी इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है ready हाउ मेनी डेज फॉर शोविंग to क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग 180 टू वन वन जीरो पर बताइएगा तो ध्यान रखना एक सौ अस्सी से दो सौ बीस दिन तो अनजस्टिफल आपके जिसको कह सकते और एक सौ चालीस से एक सौ सत्तर भी अनजस्टिफाई है नब्बे से एक सौ दस दिन ये 110 दिन 90 वाले जो दिन है वो कम है ये ध्यान रखना तो लगभग 110 से 130 दिन अमूमन 110 से 120 दिन के आसपास चने की फसल तैयार हो जाती है चार महीने के आसपास देखो अक्टूबर के बाद में अक्टूबर में बोएंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी फरवरी लास्ट या मार्च में आप क्या देख सकते हैं कुछ हार्वेस्टिंग आप देख सकते हैं ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो पर क्या है, इसका आपका? बी है ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल गजेंद्र जी बाला नेहरा जी बेटा ए नहीं बी इसका राइट आंसर है यहां देखिएगा चने में लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं इन ग्राम डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू लाइन एंड प्लांट टू प्लांट इज में पंद्रह से दस बीस दस तीस दस और चालीस दस चलो ये तो आप कर ही देंगे चने का मतलब ध्यान रखना जब कभी भी चना दिया जाए तो इसका मतलब वो देसी चने की बात कर रहा है छोटे चने की बात कर रहा है ये ध्यान रखना आपको ठीक है <coughs> जब भी चना देश का मतलब देशी चने की बात करता है और जब देसी चने की बात करता है तो तीस इंटू दस <coughs> लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए काबुली चना अगर आपसे काबुली चना पूछ लिया जाए बेटा तो काबुली चने की क्या बताओगे काबुली चने की आपको बताना है पैंतालीस इंटू पंद्रह रखना आपको ठीक है काबुली चने की पैतालीस इंटू पंद्रह और की दस। दस के अनुसार तीन लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस और पैतालीस इंटू पंद्रह दे देगा तो लगभग आपके एक लाख छियासी हजार के आसपास आपको पौधे देखने को मिल सकते हैं ध्यान कैलकुलेशन कर लेना एक बार मैंने सिर्फ अपना इसमें आइडिया बताया है ये ध्यान रखना आपको ठीक है पैतालीस इंटू पंद्रह हो सकता है पैतालीस इंटू दस से पंद्रह सेंटीमीटर हो सकता है ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल जी सही है, आपका बेटा राइट आंसर बिल्कुल रोशन जी सही है संजना जी बेटा राइट है अंकिता ऑफिसर पंडित जी विक्रम जी राकेश जी बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका अच्छा ठीक है बिल्कुल विजय जाखड़ जी ठीक है तो यहाँ पर क्या है जिसको कह सकते हैं तीस इंटू दस आपका यहाँ पर सी जो है इसका राइट आंसर है पढ़ विजय पढ़ भाई अगला क्वेश्चन चने के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए द एप्रोप्रियट टेम्परेचर फॉर ग्राम शुड बी तो देखो चने के लिए एप्रोप्रियट टाइम आपके टेम्परेचर चने के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए तो चना क्या है रबी की दलहन पसल है यह ध्यान रखना आपको ठीक है क्या है चना तो यह रबी दलहन है यह ध्यान रखना आपको ठीक है रबी दलहन ठीक है पंद्रह से बीस डिग्री चौबीस से तीस तीस से छत्तीस या उपरोक्त में से कोई नहीं तो एप्रोपीरियड रबी का टाइम है रबी में आपको पता है तापमान कम होता है यह ध्यान रखना ठीक है यह ध्यान रखना तो आपको क्या है चौबीस से तीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका यहाँ पर क्या है बीस का राइट आंसर है ठीक है किट्टू जी बिल्कुल सही है बेटा अनु पारिक बेटा ठीक है हिमेश जी रेशु विजय अंकिता कालूराम जी गोविंद एफ जी बिल्कुल आपका सही आंसर है भाई मारवाड़ी ऑफिशियल जी बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है आपका पुष्पेंद्र जी बेटा सही आंसर है तो यहाँ पर क्या है बीस का राइट right आंसर है ये ध्यान रखना आपको अगला देखो चने के फली छेदक से नियंत्रण पाया जाता है चने में आपके फली छेदक रखना जिसे कहते हैं ये ध्यान रखना है आपको ठीक है हेली आर्मी जरा। इसे हम पोर्ट बोरर कहते हैं ये ध्यान रखना पोर्ट बोरर ठीक है तो इसे कहते हैं आपके हेलीकवरपा <coughs> हेली कवर पा, आर्मी जरा अब ये तो हो गया आपके इसका साइन आपके जो नाम है जूलॉजिकल नाम जो है आपका वो पोड बोर चने का मुख्य कीट है ये ध्यान रखना आपको ठीक है क्या है मुख्य कीट मुख्य कीट एक होता है एग्रोटिस इप्सिलोना वो इसका कटव होता है ये ध्यान रखना आपको तो ये कीट है तो कीट को मारने के लिए क्या यूज होगा आपको ध्यान रखना कौन होगा कीटनाशक यानी की कि इंसेक्टिसाइड तो यहां पर देखिएगा टू फोर डी टू फोर डी क्या है तो टू फोर डी हर्बिसाइड है ठीक है फ्लूक्लोरोलीन ये भी हर्बिसाइड है यहां पर डायमिथोइ हाँ ये ठीक है एनपीवी न्यूक्लियर पोलिहाइड्रोसिस वायरस ठीक है तो ये क्या है जैविक नियंत्रण है इसका ये ध्यान रखना क्या है जैविक नियंत्रण इसका ध्यान रखना आपको तो ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोली वायरस ठीक है तो ये आपका क्या है इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये ध्यान रखना और बहुत प्रभावी है बायोलॉजिकल कंट्रोलर बहुत प्रभावी है ये इसी के इससे आपके क्या होता है क्या होता है बनाया जाता है इसी की आपके लट से तो डीज का राइट आंसर है ये ध्यान रखना आपको ठीक है आओ अगला क्वेश्चन चने की फसल को बोते समय बीजों की गहराई रखी जाती है वाइल्ड शोइंग ग्राम क्रॉप द डेप्थ ऑफ सीड इज कि देखिएगा हमने पीछे जो चीजें पड़ी उनके पढ़ने से क्या है काफी कुछ चीजें यहां पर आपको देखने को मिलता है यह ध्यान रखना ठीक है ठीक है यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो जेली सीड देखिएगा जेली सीड क्या होता है आपके जेली सीड पहले तो फिजियोलॉजिकल है किसका जेली सीड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेटा आम का यह ध्यान रखना आपको ठीक है पहली चीज तो देखिएगा जेली सीड जो है वो किसका देहिक विकार है पहली चीज तो देखो पहली चीज तो जेली सीड विकार है बेटा आम का पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना और अगली चीज ये होता किसकी वजह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है देहिक विकार है पोषक तत्वों का विकार है ठीक है इम्बेलेंस ठीक है इम्बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर ठीक है इम्बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर और विशेष रूप से दो एक आपके जैसे बोरोन और दूसरा आपके कैल्शियम ठीक है दो ऐसे पोषक तत्व जो इसमें आपके क्या होता है डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है ध्यान रखना अब यहां पर आपको यह बताना है कि चने की फसल को बोते समय बीजों की गहराई रखी जाती है पहली चीज आपको यह ध्यान रखना ना तो 10 से 12 रखी जाती है ना 15 से 20 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है विल्ट से बचाने के लिए ठीक है यह क्या है ये है विल्ट से बचाव अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चने की फसल को विल्ट से बचाव के लिए कितनी गहराई पर बोया जाना चाहिए तो आठ से दस और यहां पर चने की फसल को बोते समय बीजों की गहराई रखी जाती है तो यहां पर यह पांच से सात सेंटीमीटर सही आंसर है यह ध्यान रखना आपको ठीक है क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल नरेंद्र महावर जी एकदम राइट है कैलाश जी किट्टू जी बिल्कुल ठीक है अगर यही क्वेश्चन पूछता चने की फसल को चने की फसल को विल्ट की समस्या विल्ट की समस्या से बचाने के लिए विल्ट की समस्या से बचाव हेतु बुआई कितनी गहराई पर की जाती है तो हम क्या कर देते आठ से दस सेंटीमीटर यह ध्यान रखना है आपको ठीक है यह हमें ध्यान रखना आपको हाँ, बिल्कुल सही है राजमेवाल जी हा बिल्कुल इंदु जी सही है आपका संदीप जी बिल्कुल ठीक है बेटा विक्रम सिंह जी सही आंसर है रीटा जी बिल्कुल आपने जो सही आंसर दिया निकिता विक्रम एपी जी राजमेवाल ममता जी बेटा बिल्कुल ठीक है ठीक है तो यहां पर क्या है इसका राइट आंसर आपका सी सही आंसर है ये ध्यान रखना आपको आगे देखिएगा चने की फसल में कौन सा प्रागण पाया जाता है पोलिनेशन इज फाउंड ऑफ ग्राम सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस या ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी तो चने में किस प्रकार का एक बार थोड़ा सा राजेंद्र जी का कमेंट क्या है नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है डॉक्टर राजेंद्र जी की सभी विल्ट से बचाव की आपके बचाव का उपाय चाहेंगे लेकिन इन जनरली जो चने की सीड डेट होती है बेटा पांच से छह सात आठ तक हो सकती है आठ से दस विशेष रूप से विल्ट के लिए दे रखा है कि आठ से दस सेंटीमीटर जब हम डेप्थ इसकी रखते हैं तो विल्ट से बचाव होता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है इसमें पाया जाता है सेल्फ पोलिनेशन ठीक है तो इसके प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं दस और पांच की डिस्टेंस रख लेते हैं आपके यहाँ पर ठीक है दस और पांच की डिस्टेंस हम देख सकते हैं सीड प्रोडक्शन में ठीक है तो यहां पर ए तो सेल्फ पोलिनेशन है आपके चने में यह ध्यान रखना आपको ठीक है हा आगे देखिएगा ये आपके जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आपके चार फरवरी की एग्जाम है तो अभी तक हमारे पास जिसको कह सकते हैं पर्याप्त समय है बिल्कुल हाँ इंदु जी सही है आपका सात सेंटीमीटर तो पांच से सात हो गया यहां देखिएगा तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके जयपुर से आपका क्लास रूम टू लाइव कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं पैंतालीस सौ रुपए का और ये आपके हॉर्टिकल्चर की बुक है जो बहुप्रतीक्षित आपकी बुक थी जो आपके मार्केट में अब अवेलेबल है तो जैसे जोधपुर के जो आपके जोधपुर से खरीदना चाहते हैं वो जोधपुर जालोरी गेट पर मिल जाएगी इधर अगर आप देखेंगे जोधपुर से आगे इधर आपके फलोदी ओसिया आपके इधर देखेंगे तो ओसिया में जिसको कह सकते हैं मा सचियाई एग्रो बुक डिपो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं जैसे आपके जो ओसिया के आसपास के क्षेत्र के हैं वहां आपके ओसिया में जिसको कह सकते हैं मा सचियाई एग्रो बुक डिपो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं ये हॉर्टिकल्चर की बुक ठीक है जयपुर में आपके ये कांटा पर मिल जाएगी आपके चौड़ा रास्ता जिसको कह सकते हैं जैन बुक डिपो पे मिल जाएगी अग्रवाल बुक डिपो पर आपको ये मिल जाएगी और जहां कहीं भी आप ये बुक जिसको कह सकते हैं मंगवाना चाहते हैं आपके जो ऑफलाइन सेंटर जो आपके बुक डिपो है वहां आप उनसे कह सकते हैं तो वो आपके जो उत्कर्ष के जो बड़े डीलर्स हैं जहां आपके ये ज्यादा सप्लाई होती है बुक वहां से मंगवा सकते हैं ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर की आपके बुक है एक सौ रुपए कीमत है उत्कर्ष के ऐप से आप मंगवा सकते हैं या अपने नजदीकी पुस्तक विक्रेता को आप बोल सकते हैं यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है गणेश कुमार जी बिहार तो बेटा बिहार के लिए आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी ये ध्यान रखना आपको ठीक है बिल्कुल अनिल जी चले आगे बेटा आ जाओ आगे तो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है यह रहा चने के बीजों का उपयोग मनुष्य क्यों करता है वाई डू ह्यूम यूज ऑफ ग्राम सीड्स स्वादिष्ट के लिए पेट भरने के लिए खून बढ़ाने के लिए खून के शुद्धिकरण के लिए ये इसका मेडिसिनल यूज है भाई ये ध्यान रखना आपको ठीक है ये मेडिसिनल यूज है पूरे राजस्थान में ऑफलाइन बुक मिल जाएगी जहां जहां आपको जैसे लक्ष्मण सर की बुक मिली थी वहां वहां उनको बोल दीजिएगा जो पहले मंगाई थी वही प्रोसेस है उनके पास मंगाने की ठीक है बेटा अब यहां देखिएगा इसका जो यूज होता है वो क्या यूज है तो इसका यूज है आपके ब्लड की प्योरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है ब्लड के प्योरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है खून के शुद्धिकरण में ठीक है ये ध्यान रखना क्योंकि प्रोटीन का सोर्स होता है ये ध्यान रखना ठीक है प्रोटीन का स्रोत देखिएगा एक और चीज मैं बता दूं इस बुक के लिए आप जिस भी बुक डिपो पर ये बुक खरीदने चाहिए कम से कम कोशिश करिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप साथ लेकर के जाएं ताकि बुक की आपकी उसमें सहूलियत होगी आपको बताने में इसका स्क्रीनशॉट आपका बुक का आप सभी के पास होगा तो वो आप जरूर लेकर के जाएं ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां पर डी इसका राइट आंसर है ये ध्यान रखना आपको चने में निपिंग से क्या तात्पर्य है वाट इज द मीन ऑफ बाई नीपिंग इन ग्राम राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना गिरने से बचाने के लिए शाखाओं को बांधना सब्जी बनाने के लिए हरी पत्तियों को तोड़ना अधिक शाखाएं प्रोत्साहित करने के लिए तो बताइएगा रामजी ऑनलाइन उत्कर्ष के ऐप में बुकशाला लिखा हो वहां से परचेज कर सकता है ठीक है कुछ क्रॉप्स के लिए विजेंद्र जी बैन हुई है एक बार विजय जी का कमेंट दिखाओ भाई ठीक है देखो विजय जी फिर कोई आज, आपके कमेंट्स लेकर के आए हैं देख लेते हैं क्या करें सर मेरे माता जी बोल रही है, हमारा पेपर कब है पशु परिचारक का मेरी मम्मी बोल रही है सर रिप्लाई कर दो नहीं तो मेरी पिटाई होगी अरे भाई बिल्कुल आपकी पिटाई नहीं होगी तो सबसे पहले तो आपकी माताजी को हमारा प्रणाम और बात रही पशु परिचारक की तो निश्चित रूप से भर सकते हैं भाई अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो जब फॉर्म आएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता ही लगेगा ठीक है हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी जिसको कह सकते हैं कि आप भी जुड़ेंगे माताजी भी जुड़ेंगे पिताजी भी जुड़ेंगे ठीक है लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं होती ठीक है तो चने में निपिंग की बात करें तो क्या है तो आपकी निपिंग क्यों की जाती है लेटरल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ये ध्यान रखना डी इसका राइट आंसर अब राइजोबियम की बात कर ले हम ध्यान रखना पल्सियज क्रॉप में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है जो अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान रखना जो दलहनी पसले होती है दलहनी पसले जो होती है दलहनी पसले चलिएगा आपको पता है राइजोबियम पाया था तो मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे लिखिएगा यहां पर क्वेश्चन है लिखिएगा दलहनी फसलों की लिखिएगा दलहनी फसलों की जड़ों में जड़ों में राइजोबियम जीवाणु राइजोबियम जीवाणु जीवाणु नाइट्रोजन स्त्रीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इसका कौन सी जड़ों में आवास होता है इनका कौन सी जड़ों में कौनसी जड़ों में आवास होता है ठीक है जो जो चीजें आपने सोच रही थे, आप जो सोच रहे थे वो मैंने क्वेश्चन में दे दिए हैं क्वेश्चन क्या है दलनी पसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है ये तो इसका काम है। इसका कौन सी जड़ों में आवास होता है ये कौन सी जड़ों में देखने को मिलेगा नंबर एक मुख्य जड़ों में ठीक है नंबर दो द्वितीयक जड़ों में ठीक है नंबर तीन प्रोप जड़ों में और नंबर डी उपरोक्त सभी अब आपको बताना है बिल्कुल गोविंद जी ग्यारह कीटनाशी है उनकी वीडियो और कुछ योजनाओं का भी ठीक है सवाल का जवाब दीजिएगा मुख्य रूट्स में सेकेंडरी रूट्स में प्रोप रूट्स में या उपरोक्त सभी पता लग जाएगा अभी कौन कितना पड़ता है और कौन कितना पानी में है विजय जी जो अभी आप पूछ रहे थे पशु परिचर की तैयारी अब इसका जवाब देना ठीक है नहीं तो फिर जिसको कह सकते देख लेना नमस्ते जी नमस्ते आपका प्रणाम स्वीकार है चूरू से जुड़े हैं दैट ट्रूथ रिटर्न है आराम से सबने जवाब दे दिया पूरा भरपूर समय दिया गया है ठीक है सबके पास भरपूर समय है अगर जवाब हो गया हो तो मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं आ जाओ पहली चीज दलहनी पसले जो होती है ठीक है रूट क्या होती है रूट का मतलब होता है जो सहारा देती है तो ये ध्यान रखना जो सी आंसर दे रहे हैं ना सबसे पहले तो वो गलत है रूट होती है दलहनी फसलों में रूट नहीं पाई जाती बात खत्म है और जब प्रोप रूट नहीं पाई जाती तो ये तो मामला बनता ही नहीं है तो ये भी खत्म हो गया ठीक है अब आगे चलते हैं मुख्य जड़ कौन सी होती है मुख्य जड़ होती है ये ये वाली कभी भी दलहनी फसल के पौधे को उखाड़ करके देखना आप ठीक है ये ध्यान रखना कभी भी दलनी फसल को ऐसे उखाड़ करके देखना उसमें मुख्य रूट के ऊपर आपको नोड्यूल्स नहीं दिखाई देंगे जो सेकेंडरी रूट्स होती है पार्सव जड़े जो होती है पार्सव जड़ों पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं ये ध्यान रखना आपको ठीक है बिल्कुल बाला नेहरा जी आपका सही आंसर है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये ध्यान रखना तो ठीक है विजय जी आप पहले तो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करो पशु परिचर को फिलहाल होल्ड रखते है ना ठीक है विजय जी तो इसका आपको ध्यान रखना क्या है बी किसी विद्यार्थी ने शुरुआत में जवाब दिया था भाई जवाब देने से पहले एक चीज सोच तो लो आप प्रोप रूट दे रहे हैं, दलनी फसलों में प्रोप रूट देखी थी क्या फसलों में प्रोप रूट नहीं होती बेटा ध्यान रखना आपको ठीक है प्रोप रूट सहारा देने के लिए होती है और मुख्य रूट के ऊपर नहीं पाया जाता है रूट्स पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं इसके पिंक कलर बिल्कुल सही है बिल्कुल अनिल जी जहां चोमू में आप जिस बुक से बुक डिपो से बुक मंगाना चाहते हैं उस बुक डिपो पर जाकर के कहो कि ये बुक की फोटो है मुझे ये बुक चाहिए और उसको ये भी बता देना कि जयपुर में अग्रवाल बुक डिपो है जहां पर बुक की सप्लाई होती है अग्रवाल बुक डिपो पर वो डिमांड देगा वहां से बुक सप्लाई हो जाएगी ठीक है अनिल जी मैंने प्रोसेस बता दी है देखो बेटा बुक की प्रोसेस मैं बता दूं जिसको भी ऑफलाइन जो बुक चाहिए ठीक है आप बार बार कह रहे हो मैं बता दूं ऑफलाइन बुक ठीक है आप जिस भी जगह रहते हैं उस बुक स्टॉल पर जो आपके क्या है उस बुक स्टॉल जो आपका है उस बुक स्टॉल से आप संपर्क करें उसको बुक की फोटो दिखाएं, ठीक है उसको बुक की फोटो दिखाएं और उसे कह दीजिएगा कि ये बुक मंगा करके देनी है जयपुर में इस बुक का होल सेलर है आपके जिसको कह सकते हैं आपके अग्रवाल बुक डिपो ठीक है तो अग्रवाल बुक डिपो से वो संपर्क करेगा और वहां से बुक आपको देखने को मिल जाएगी जोधपुर में राजदीप बुक डिपो ठीक है जोधपुर में राजदीप बुक डिपो और धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा ठीक है आपके झोटोड़ा जिसको कह सकते हैं आपके कांटा झोटोड़ा सर्किल की तरफ शाम बुक डिपो है जो में आपको जिसको कह सकते हैं आपके जेमा अम्बे डिपो है ठीक है आपके चौड़ा रास्ता ओसिया जो जोधपुर में मैंने दिया कि मा सचिया एग्रो बुक डिपो है वहां पर मिल जाएगी आपको ठीक है ये ध्यान रखना आपको ये प्रोसेस है आइएगा चने में प्रोटीन एवं गुणसूत्रों की संख्या कर्म से पाई जाती है द नंबर ऑफ प्रोटीन एंड क्रोमोसोम्स इन ग्राम आर फाउंड रेस्पेक्टिवली इक्कीस चौदह चौवन चौदह चौदह चौबीस टू एन उपरोक्त में से कोई नहीं चने में प्रोटीन और गुणसूत्रों की संख्या पूछा है ध्यान रखना आपको ठीक है क्या पूछा है चने में प्रोटीन तो प्रोटीन कितनी है इक्कीस पॉइंट एक इक्कीस पॉइंट एक प्रतिशत और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है या तो चौदह या सोलह तो चौवन नहीं चौदह नहीं इक्कीस और चौदह अच्छा क्वेश्चन है भाई <coughs> अच्छा क्वेश्चन हाँ, जालोरी गेट पर आपके सेकेंड हैंड बुक डिपो है और आपके जालोरी गेट पर तो सभी पर मिल जाएगी बुक दिखा देना आपको है ना चले आइएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है चने में लगने वाले फली छेदक कीट का

ठीक है ये ध्यान रखना ये दोनों तो क्या है ये दोनों तो स्टोरेज पेस्ट है ठीक है ये दोनों तो क्या है स्टोरेज पेस्ट है एक खपरा है और एक इल्ली है ओडोनटोटर्मस क्या है ये दीमक है ये ध्यान रखना ठीक है ये दीमक है तो डी का क्या है राइट आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना आपको ठीक है एक कटवॉर्म और होता है उस कटवॉर्म ठीक है कटवॉर्म ठीक है एग्रोटिस इप्सिलोना ठीक है तो एक कटवॉर्म और होता है जो कटवॉर्म देखिए ये किसको नुकसान पहुंचाता है इसकी फली को और कटवॉर्म क्या होता है कटवॉर्म इसकी स्टेम इस को काटता है आपके नीचे से मुख्य तने को काटता है कटवॉर्म का अटैक छोटी अवस्था में होता है और इसका प्रकोप बड़ी अवस्था में होता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है ये हमें ध्यान रखना आपको चलिए आगे अगला देखो चने की वह कौन सी किस्म है जो विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है यानी कि कौन सी किस्म है जिसमें विल्ट नहीं लगता ठीक है विल्ट नहीं लगता एग्रोटिस इप्सिलोना जी। बिल्कुल बेटा आपने सही जवाब दिया बिल्कुल शिवांगी जी सही है बिल्कुल अनिता जी आपके एग्रीकल्चर के नोट्स आपको उत्कर्ष के उसमें मिल जाएंगे आपको वो भी आप मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं ठीक है आइएगा ठीक है तो देखिएगा विच इज दाम विच इज रेसिस्टेंट टू विल्ट डिजीज अवरोधी वरदान गौरव ए और बी दोनों तो यहां पर ध्यान रखना अगर विल्ट के व, अवरोधी विल्ट का विरोध कौन करेगी अवरोधी ध्यान रखना आपको ठीक है तो विल्ट क्या अवरोध कौन करती है अवरोधी तो अवरोधी किसका अवरोध कर रही है विल्ट का ये ध्यान रखना है आपको तो ठीक है ये ध्यान रखना है आपको तो ए इसका राइट आंसर है गौरव आपके चने की वेराइटी है ये ध्यान रखना आपको तो यहां पर अवरोधी विजय जी ए और बी दिखा इसका मतलब दोनों नहीं है अवरोधी ये ध्यान रखना आपको ठीक है ऋतिक जी पढ़ा करो समय पर है ना चने का पुष्पक्रम कहलाता है द इनफ्लुस ऑफ ग्राम इज कॉड स्पाइक पेनिकल एक्ज़ेलरी रेसिम या साइमोस तो आपका इसका क्या है इंफ्लुएंस बताना है क्या है तो जितने भी आपके दलन है उनमें रेसिम टाइप का आपके इंफ्लुएंस ध्यान रखना रेसिम टाइप का ये ध्यान रखना आपको ठीक है बिल्कुल बताओ उर्मिला जी ठीक है ये ध्यान रखना आपको तो स्पाइक नहीं है पेनिकल नहीं है रेसिम टाइप का ये ध्यान रखना आपको ठीक है रेसिम टाइप का तो रेसिम टाइप का इन्फ्लुएंस दलनी फसलों में आपको दिखाई देगा ये ध्यान रखना बिल्कुल जी, कालू राम जी, सही आंसर है ये ध्यान रखना आपको ठीक है इसका हमें ध्यान रखना अरे रीतिक कुछ नहीं आता तेरे को ठीक है अरे भाई ये रीतिक हमारी तकनीकी टीम का सदस्य सामने बैठा बैठा मेरे को बताता है कि सर मेरा आंसर ये है ठीक है पढ़ाकर रीतिक तब आएगा तेरा आंसर ठीक है सी इसका राइट आंसर है बिल्कुल सी रेसिम टाइप का है बिल्कुल आपका रेसिम टाइप का चने का उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पश्चिम एशिया भारत चीन और अफगानिस्तान तो बताइएगा चने का उत्पत्ति स्थल क्या होगा आपको यह बताना है ठीक है तो देखिएगा चने का उत्पत्ति स्थल साउथ वेस्ट एशिया ठीक है और यही किसका है आपके वीट का वीट का भी यही है और चने का उत्पत्ति स्थल भी यही है पेनिकल आपका आम का सही है पेनिकल बिल्कुल इन्फ्लोरेंस ठीक है फरवरी मार्च में आपको आम में फ्लोरिंग दिखाई देगी देखो रिजल्ट वजल्ट आपके सारे रिजल्ट मेरे ख्याल से जिसको कह सकते हैं ये जो आपका इलेक्शन होगा उसके बाद में ठीक है इलेक्शन के बाद में आपके जैसे ठीक है तो दक्षिण पश्चिम एशिया एस का राइट आंसर है ठीक है साउथ वेस्ट च, आपके गेहूं और चना सेम सेम ठीक है सेम सेम में ध्यान रखना आपको ठीक है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों ने इसे ज्वाइन किया होगा नहीं किया है, तो कर लीजिएगा भाई इससे बड़ा कुछ नहीं होगा टेस्ट सीरीज फ्री में ठीक है टेस्ट सीरीज फ्री में यह ध्यान रखना है आपको यूट्यूब क्लासेज बेस्ड है प्रत्येक रविवार परखे अपनी तैयारी प्रत्येक रविवार को आयोजित होगा क्यू आर कोड को डायरेक्ट आप स्कैन कर सकते हैं और ये कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं ये ध्यान रखना आपको ठीक है इंदु जी अगर आपके वो नहीं होता ना साउथ वेस्ट तो फिर वो हो जाता ठीक है ये ध्यान रखना आपको फुल्ली सिलेबस टेस्ट है डिटेल सॉल्यूशन है एग्जाम बेस्ड टेस्ट है ठीक है ये आपके इस प्रकार का आपको दिखाई देगा तो आप इतने सभी ने ले लिया होगा ये ध्यान रखना आपको ठीक है हाँ बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र जी ठीक है तो विजय जी आप जरूर ये टेस्ट सीरीज लॉन्च जो हुई है इस टेस्ट सीरीज का जरूर आप एपीजी बेटा दो डिप, दो चीजों पर डिपेंड करती है मटर की चीज मटर की सीड रेट एक वेजिटेबल के लिए है तो सौ से एक सौ पच्चीस हो जाती है एक सौ बीस और अगर सीड प्रोडक्शन तो है तो अस्सी से सौ के आसपास ठीक है ये ध्यान रखना आपको हाँ अफगानिस्तान बिल्कुल ठीक है अनिता जी अफगानिस्तान बिल्कुल राइट है सो में से सौ राइट है ठीक है लेकिन अफगानिस्तान के साथ देखो यहां पर दक्षिण पश्चिम एशिया तो आपको पता है इसी दक्षिण पश्चिम एशिया में अफगानिस्तान आता है ठीक है बेटा ठीक है अफगानिस्तान दक्षिण पश्चिम एशिया में ही आता है यह ध्यान रखना है आपको ठीक है यह ध्यान रखना तो ए राइट आंसर है ठीक है इसका ध्यान रखना आपको बिल्कुल अनिता जी एकदम सही है आपने कहा एकदम राइट अफगानिस्तान ठीक है यहां देखेगा देसी चने की बीज दर कितनी किलोग्राम है सीड रेट ऑफ देसी ग्राम देसी जो आपकी होता है चना उसकी सीड रेट क्या है पिचासी से सौ सौ किलोग्राम साठ से अस्सी अस्सी से नब्बे तो देसी की कितनी है साठ से अस्सी किलोग्राम ये ध्यान रखना आपको तो देसी की साठ से अस्सी के ये ध्यान रखना आपको ठीक है ठीक है सी इसका राइट आंसर है विजय जी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आप भी ज्वाइन करना और माता जी को भी वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करवाना ठीक है और अगर हो सके तो पिताजी को भी जरूर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराएं और पूरे परिवार वाले एक साथ बैठ करके टेस्ट सीरीज दें और फिर चेक करें किसके कितने नंबर आ रहे हैं और जिसके कम नंबर आते हैं उसकी तैयारी को और बढ़ाएं ठीक है विजय बेटा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है चने की बुआई अल्सी के साथ करना और चने की बुआई की गहराई आठ से दस सेंटीमीटर रखना किस रोग से बचने का उपाय है अब आपके पास ये क्वेश्चन है भाई ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको ठीक है सोइंग ग्राम विथ लिनसीड एंड कीपिंग द डेप्थ ऑफ ग्राम सोइंग ए टू टेन सेंटीमीटर आर द वे टू अवॉइड विच डिजीज चने की बोई अलसी के साथ करेंगे तो भी आपका क्या है? विल्ट का प्रकोप कम होगा यह ध्यान रखना है आपको ठीक है तो यहां पर क्या है विल्ट फ्यूजेरियम ब्लाइट मिल्ड्यू या सभी तो यहां पर क्या है विशेष आपका विल्ट यह ध्यान रखना ए इसका राइट आंसर है ठीक है ए इसका राइट आंसर है क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें अपने बहुमूल्य विचार जो कमेंट रूपी है वो कमेंट जरूर आप करे चने की बुआई हेतु खेत तैयार होना चाहिए द फील्ड शुड बी प्रिपेयर फॉर ग्राम पलवार किया हुआ मल्स या ढेलेदार लंपी या उपरोक्त में से कोई नहीं तो चने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए चने के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए ढेलेदार यह ध्यान रखना आपको फ्यूजेरियम ऑक्सिस फोरम बिल्कुल सही है आपका ठीक है तो ध्यान रखना कैसी ढेलेदार मिट्टी ठीक है भाई ढेलेदार मिट्टी तो ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छी सोइल होती है ढेलेदार मिट्टी इसमें ये ध्यान रखना तो जिन मर्दाओं में ढेले बनते हैं वहां पर चने की खेती बहुत अच्छी से हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ पर जुलाई अगस्त और सितंबर में जिसको कह सकते हैं मानसून का प्रभाव रहता है उसके बाद जुताई करने से आपके उससे पहले मानसून से पहले, पहले जुताई करने में उन ढेलों में क्या होती है उसकी नमी कंजर्व रहती है बेटा ये ध्यान रखना आपको ठीक है उनमें नमी कंजर्व रहती है यह ध्यान रखना है आपको ठीक है भाई निम्नलिखित में से देशी चने का सीड इंडेक्स होता है ऑफ़ द द फॉलोइंग इज़ सीड इंडेक्स ऑफ लोकल ग्राम देखिएगा एक सीड इंडेक्स होता है और एक टेस्ट वेट होता है ठीक है यहां पर क्या होता है एक तो होता है सीड इंडेक्स देखो बेटा सीड इंडेक्स का मतलब होता है सो बीजों का बहार ठीक है वेट ऑफ हंड्रेड सीड 100 बीजों का भार ठीक है और एक होता है टेस्ट वेट ठीक है टेस्ट वेट और टेस्ट वेट होता है हजार का हजार बीजों का भार होता है एक सौ सत्तर से लेकर के दो सौ साठ दस का भाग दे दो तो सत्रह से लेकर के छब्बीस ये इसका राइट आंसर होगा ठीक है बीस का क्या होगा राइट आंसर होगा ये ध्यान रखना आपको सही आंसर है तो सीड इंडेक्स 100 बीजों का बाहर सीड इंडेक्स कहलाता है और टेस्ट वेट आपके हजार बीजों का बाहर कहलाता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है मटर की बेटा अभी तो बताई थी आपको डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है दलहन के लिए लेना चाहते हो या वेजिटेबल के लिए लेना चाहते हो ठीक है वेजिटेबल के लिए लेना चाहते हो तो सो से 125 के बीच होती है चने में सीलिंग प्रतिशत क्या होती है देखिएगा चने में सीलिंग प्रतिशत का मतलब होता है चने की जो पोड होती है उसके दाने को अलग करना और उसके छिलके का ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको और चने का जो चारा चने की फसल का जो चारा होता है उसको क्या कहा जाता है उसे कहते है, खारिया ठीक है खारिया या हमारे वाली लैंग्वेज में बोलते खारिया ठीक है अब सेलिंग परसेंटेज का मतलब होता है उसका छिलका और बीज का अनुपात तो लगभग पचास परसेंट फोर्टी नाइन परसेंट ठीक है फोर्टी नाइन परसेंट यह ध्यान रखना आपको बिल्कुल सही आंसर है फोर्टी नाइन एकदम सही आंसर है आपका निम्नलिखित में से चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है लेकिन अम्ल दूध आपके लेकटिक अम्ल नहीं पाया जाता लेक्टिक अम्ल आपके विशेष रूप से लेक्टिक फर्मेंटेशन होता है ये ध्यान रखना यहां पर ब्यूटायरिक एसिड मेलिक एसिड तो मेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है में सत्तर से पिछहत्तर बिल्कुल सही है राजेंद्र जी ठीक है हाँ ऊंट का प्रिय चारा चने का खारिया और आपके गंवार का चारा तो मेलिक और औेली कमला आपका प्रमुख रूप से और ये आपका एनिमल अटेंडेंट न्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स लॉन्च जयपुर से आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह सेवन ए एम ऑनलाइन की फीस तीन हजार रूपए ऐप परचेज कर सकते हैं जोधपुर ऑफलाइन में आपका सुबह सात बजे से और ऑनलाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं ये आप परचेज कर सकते हैं ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो आज की ये क्लास थी क्लास कैसी लगी क्लास के बारे में जरूर बताइएगा क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर लिखिएगा एक बार कमेंट्स दिखाना हमारे किसी साथी का क्या कमेंट्स हाँ बस बस यहीं पर धन्यवाद गोविंद ओफ जी आपको ऑनलाइन में ही ऑफलाइन का एहसास हो रहा है तो बहुत बढ़िया पुलिस वाले गुंडे ने गुड नाइट कर दिया है तो बिल्कुल जिसको कह सकते पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ठीक है भाई तो सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि जय हिंद जय भारत बेस्ट ऑफ लक